उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल साबोधित हुआ, प्रलयार्थ उनके मिस वहां क्या काल ही क्रोधित हुआ। युग नेत्र उनके जो अभी थे पूर्ण जल की धार से, अब रोष के मारे हुए वे दहकते अंगार से। जयद्रथ वध के प्रसंग से जुड़ी ये कालजयी पंक्तियां कभी राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई थी। ये कविता उस किस्से को जोड़ती है जब अर्जुन को ये पता चला कि अभिमन्यु की मृत्यु की वजह जयद्रथ हैं। तब अर्जुन ने शपथ ली थी कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले वे जयद्रथ का या तो वध कर देंगे या आत्मदाह। आज के पॉडकास्ट में हमारी चर्चा के नायक भी अर्जुन हैं। वो अर्जुन जो धनुर्धरों में श्रेष्ठ माने जाते हैं, वो अर्जुन जो महाभारत के युद्ध को अंजाम तक पहुंचाते हैं, वो अर्जुन जो नायकों के नायक हैं। लेकिन क्या अर्जुन की श्रेष्ठता उनकी विद्या तक है? क्या अर्जुन की श्रेष्ठता 18 दिन तक चले महाभारत के युद्ध को अंजाम तक पहुंचाने की है? आज अर्जुन के जीवन से जुड़े उन पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं मृत्युंजय सिंह जी, जिन्होंने महाभारत को न सिर्फ गहराई से समझा है बल्कि वो महाभारत के हर पात्र का बेहद गंभीरता से आकलन करते हैं। मृत्युंजय जी, आपका स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, और मैं आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। मृत्युंजय जी, ये हमारा पहला पॉडकास्ट है, उम्मीद करते हैं कि लोगों को ये पसंद आएगा। इसलिए बिना वक्त गवाए हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि अर्जुन को महाभारत से एक अलग पात्र के रूप में उनकी महानता को हम कैसे समझ सकते हैं। देखिए अनुपम जी, आपने जिन पंक्तियों से इस पॉडकास्ट की शुरुआत की है उसमें आपने जयद्रथ का जिक्र किया है जी, जी। और अर्जुन की महानता एक व्यक्ति से ज्यादा एक चरित्र की है। हालांकि अर्जुन के चरित्र के विविध पक्षों पर लोगों ने कभी भी गौर नहीं किया कि अर्जुन में ऐसा कुछ और भी था। अर्जुन का जो चरित्र है वो हमेशा ही दबा हुआ रह गया पूरी कहानी के दौरान, श्री कृष्ण के प्रभाव में या फिर हम कहते हैं द्रोणाचार्य के प्रभाव में या भीष्म पितामह के प्रभाव में। जी जी, मुझे तो देखने में ऐसा लगता है कि भीम का चरित्र या भीम का जो पर्सनालिटी या इमेज है वो ज्यादा उभर के आया, दुर्योधन का इमेज ज्यादा उभर के आया, सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेंट रहा कर्ण का, तो इन सभी का कैरेक्टर बहुत ज्यादा उभर के सामने आया। इनके जीवन के विभिन्न पक्षों के बारे में लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अर्जुन के अंदर जो वो चरित्र की जो सूक्ष्मता थी, वो जो उसके अंदर अध्यवसायिता थी, जिसको हम लोग आम अंग्रेजी में हम लोग जिसे परसिवरेंस कहते हैं, तो वो अध्यवसायिता यानी बार बार नाकाम होने के बाद भी सतत प्रयत्नशील रहना, आज्ञाकारी बने रहना और अपने मार्ग को हमेशा ही परस्यू करते रहना ताकि वो उस मंजिल को प्राप्त कर सके, यही अर्जुन का सबसे बड़ा चरित्र था। आपने जयद्रथ का जिक्र किया है, मैं आपको बता दूं कि जयद्रथ के की भूमिका की वजह से जब अभिमन्यु की मृत्यु हो गई तो अर्जुन ने शपथ ली, और शायद वो पहली बार ऐसा कोई फैसला खुद से लेते हैं, वरना वो सारे के सारे अपने काम अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर से पूछकर या फिर अपने गुरु श्री कृष्ण से पूछकर अपने फैसले लेते हैं, या फिर कोई फैसला लेने के पहले भीष्म पितामह का मुंह देखते हैं। लेकिन ये एक ऐसा फैसला था जो उन्होंने खुद लिया, और पुत्र शोक में उसके वियोग में जो क्रोधाग्नि जल रही थी उनके हृदय में, तब उन्होंने ये फैसला लिया कि मैं कर्ण सूर्यास्त के पहले इस दुष्ट का जब तक नाश नहीं कर दूंगा तब तक मैं अगर इसमें नाकाम होता हूं तो मैं चिता लगाकर अपने आप को ही भस्म कर लूंगा। जी जी। तो इसमें वो आप समझ सकते हैं कि जयद्रथ की हालत बहुत ही पतली हो गई थी और उसके रातों की नींद उड़ गई, और वो जाता है अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास। जयद्रथ भी द्रोणाचार्य का ही शिष्य था और उनसे बड़े शिकायत भरे लहजे में उनसे कहता है,
जहाँ पर कि अर्जुन का चरित्र का प्रथम पक्ष उभर कर सामने आता है, तो वो जयद्रथ शिकायत करता है कि गुरुदेव आप हमारे गुरु थे, मैं आपका शिष्य था, और जब आपके यहाँ हम थे उस समय ऐसा नहीं था कि अर्जुन के मार्क्स बहुत अच्छे आते थे, यानी अर्जुन का परफॉर्मेंस मेरे से कई गुना बेहतर था, ऐसा नहीं था, हम लोग एक ही लेवल के योद्धा थे। आज आप लेकिन आपने अर्जुन को ऐसी कौन सी घुट्टी अपनी विद्या में पिला दी कि वो दुनिया का इतना बड़ा धनुर्धर हो गया कि उसके एक संकल्प मात्र से मेरे जैसे धनुर्धर की स्थिति खराब हो जा रही है और मुझे मेरी जान पर बनाई है। तो द्रोणाचार्य ने बड़ा सा जवाब दिया कि देखो जयद्रथ, तुमने मेरे से शिक्षा प्राप्त की और मेरे से शिक्षा प्राप्त करने के बाद राजपाट और अय्यासी में तुम लगे रहे, और अर्जुन ने क्या किया, उसने भगवान शिव के पास जाकर और उनकी घनघोर तपस्या की और उसकी परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव किरात बनकर आए और दोनों के बीच मल्ल युद्ध हुआ। किरात के रूप में भगवान शिव थे और दूसरी तरफ तपस्वी अर्जुन थे और दोनों के बीच मल्ल युद्ध होता है, और उस मल्ल युद्ध में अर्जुन के चरित्र का जब सामना होता है भगवान शिव को, तब उसके बाद वो प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देने के लिए तैयार होते हैं और अर्जुन उनसे प्राप्त करता है पशुपात अस्त्र, यानी पशुपति अस्त्र। तो वो यहीं तक नहीं सीमित रहा कि द्रोणाचार्य ने उसे ब्रह्मास्त्र सिखा दिया और कुछ अन्य अस्त्रों की शिक्षा दे दी और वो वहीं संतुष्ट हो गया, वो ऐसी स्थिति नहीं थी। फिर उसके बाद उसे अवसर प्राप्त होता है तो वो अपने पिता जो थे उसके उनके वास्तविक पिता उनके पास जाता है, इंद्र के पास, और वहां पर वो दिव्यास्त्र प्राप्त करता है उनसे। तो अर्जुन सतत रूप से ऐसा प्रयत्नशील रहा कि वह एक शिक्षक से दूसरे वो ढूंढता रहा अपने लिए गुरु, नए नए गुरु बनाता रहा और उनसे नई विद्याएं वो प्राप्त करता रहा। और यही वजह थी कि आज भी हमारे देश में जो सबसे जाबाज लोग माने जाते हैं वो एथलीट हैं। भारत में जो एथलीट है या जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है, इनको सबसे ज्यादा जाबाज के तौर पे देखा जाता है, नेशनल हीरो के तौर पे देखा जाता है, चाहे वो तेंदुलकर हो या फिर दूसरे कामयाब एथलीट्स हो, और उनको अगर पुरस्कृत किया जाता है राष्ट्र की ओर से, सरकार की ओर से सम्मानित जाता है, उनको अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आज भी अर्जुन के चरित्र को देखा जाता है हमारे देश के राष्ट्र नायकों के अंदर, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और अर्जुन उसी का प्रतीक है। एक अर्जुन ऐसा था कि सबने जहां अपनी शिक्षा की लकीर छोड़ दी, वहीं उस लकीर को वो और आगे बढ़ाते हैं और वो भगवान शिव को अपना गुरु बनाते हैं। शिव जो अपार शक्ति के स्रोत थे, जिन तक पहुंचने में बड़े बड़े लोगों का हृदय कांप जाए, और उनको उन्होंने अपना गुरु बनाया। और भगवान शिव भी प्रकट कैसे होते हैं, तो किरात बन के प्रकट होते हैं, और वहां पर एक प्रतिस्पर्धा होती है कि एक ये सुअर जो था वह उनकी ओर अर्जुन की ओर दौड़ पड़ता है हमले के लिए, और एक ही समय में अर्जुन भी तीर चलाते हैं और किरात भी तीर चलाता है, और फिर दोनों एक दूसरे का दाव करते हैं कि ये जो मारा गया है ये शिकार मेरा है और ये मेरा है, इसी बात को लेकर लड़ाई होती है और दोनों मल्ल युद्ध करते हैं। उसके बाद भगवान शिव प्रसन्न होकर के अपने साक्षात प्रकट रूप में आकर उनको और पशुपात अस्त्र की शिक्षा प्रदान करते हैं, वहां से ट्रेनिंग ली, तो अर्जुन की ट्रेनिंग कभी रुकी नहीं। जी अच्छा मृत्युंजय जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि महाभारत का युद्ध 18 दिन चला, इस युद्ध में कई महारथी थे, हर एक पात्र का अपना कौशल था। धनुर्धरों का जिक्र करें तो कर्ण, एकलव्य, अश्वत्थामा और खुद भीष्म पितामह जैसे लोग थे। इन महाबलियों के बीच अगर हम अर्जुन को केंद्र में रखें तो उनके बल और उनके कौशल को आप कैसे देखते हैं? जी देखिए, इसमें अर्जुन सबसे अलग दिखाई इसलिए देता है कि सबके कोई ना कोई तो गुरु थे, जितने भी योद्धाओं के अपने नाम लिए सबके तो अपने अपने गुरु थे ही, लेकिन अर्जुन ने अपने गुरुओं के साथ एक ऐसा नाता जोड़ लिया था कि उसके गुरु उसी के साथ थे। भगवान कृष्ण जो थे उन्होंने अपनी पूरी अठौणी सेना दुर्योधन को दान दे दी थी, नारायणी सेना, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने शिष्य को नहीं छोड़ सकता, और वो अपने शिष्य के सारथी बनना उन्होंने स्वीकार किया। आप समझिए कि उस महारथी में उसका चरित्र कैसा रहा होगा, उस शिष्य का चरित्र कैसा रहा होगा कि गुरु कहता है
कि मैं युद्ध भूमि में भले ही इसकी ओर से अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं इसका सारथी बनकर के युद्ध भूमि में इसे गाइड करूंगा। और देखिए अर्जुन का मानवीय पक्ष कितना प्रबल था, इतने सारे योद्धाओं में हर कोई योद्धा युद्ध के लिए तत्पर था, दोनों तरफ के लोगों को देखें तो युद्ध के लिए तत्पर था। कोई कर्ण था जो अपने मित्र के लिए युद्ध कर रहा था, अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने के अवसर के तौर पर देख रहा था, ये मित्रता का मोल चुकाने का उसके लिए अवसर है। तो युधिष्ठिर देख रहे थे कि जो उनका राज्य छीन लिया गया है उसे फिर से हस्तगत फिर से उसे प्राप्त करने का उनका अवसर उनको प्राप्त हुआ है। नकुल, सहदेव, भीम, भीष्म पितामह हर कोई युद्ध के लिए युद्धत था, लेकिन अगर किसी के हाथ से गांडीव किसी का हाथ कांप रहा था और गांडीव छूटा जा रहा था तो वह अर्जुन ही था, जो अपने लोगों को देखकर मर्माहत हो रहा था कि इनसे मैं युद्ध करूंगा। अर्जुन को अपनी भुजाओं के पौरुष बल पर पूरा यकीन था कि वह अगर युद्ध करेगा तो इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मारे जाएंगे जो उसके अपने हैं, एक खून के हैं, एक अपने प्रिय भ्राता है जिनके साथ बालपन का समय बीता है, लेकिन हर व्यक्ति उस रणभूमि में, कुरुक्षेत्र की भूमि में सब कुछ भूल कर और युद्ध करने को उद्यत था। और अर्जुन रण छोड़ने को इसलिए तैयार हो रहा था क्योंकि उसे ये लगता था कि अपने भाइयों से युद्ध करके इनका खून बहाकर, लहू बहाकर अगर राज्य प्राप्त भी कर लिया तो क्या प्राप्त कर लिया। आप इसे कायरता का प्रतीक कह सकते हैं, कि मैं कहूंगा कि ये मानवीय मूल्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पेश किया था अर्जुन ने यह कहकर के अपने गुरु से कि नहीं गुरु, नहीं हे केशव, हे माधव, हे श्री कृष्ण, ये मुझसे अब नहीं हो सकता कि मैं अपने बंधु बांधवों पर मैं अस्त्र चलाऊं या अस्त्र उठाऊं। लेकिन जब एक बार वह मजबूती से खड़ा होता है तो पूरी पांडव सेना के अंदर एकदम से जोश और जुनून पैदा हो जाता है। वही एकमात्र योद्धा था जिसे भीष्म पितामह ने अवसर भी दिया कि अगर किसी के बाणों से मेरा शरीर बेधा जाएगा तो वह अर्जुन जैसे ही साफ सुथरे और महान चरित्र वाले योद्धा के ही हाथों, क्योंकि वो कह सकते थे कि युधिष्ठिर जो धर्मराज माने जाते हैं वो मेरे ऊपर बाण चलाकर मेरे शरीर को छलनी करेंगे, लेकिन अर्जुन जितना महान योद्धा था उतना ही महान चरित्र का व्यक्ति भी था। और इसीलिए यह अवसर उन्होंने दिया, जब राज पूछा गया इस बात का, ये सीक्रेट पूछा गया कि वो कैसे धराशायी होंगे, तो उन्होंने पूरी कहानी बताई कि किस तरह से शिखंडी उनको उनके सामने आ जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति धनुष चलाएगा वह अर्जुन ही होगा, क्योंकि उनको पता था कि भीष्म पितामह के कवच को छेदने का अगर किसी की भुजाओं में और किसी के बाणों में अगर वेग है और प्रचंड साहस और ताकत है तो अर्जुन ही है। अच्छा, जब रामायण या महाभारत जैसे महाकाव्य की हम चर्चा करते हैं, उनके पात्रों को समझते हैं, तो उनके भाव की प्रधानता को समझना जरूरी होता है। कहने का मतलब ये कि जैसे अर्जुन और कर्ण को हम देखते हैं तो हमारे भीतर पहला भाव वीरता का आता है, पौरुष का आता है। दोनों महाभारत के बहुत बड़े पात्र हैं। अगर इन दोनों की वीरता का आकलन करें तो अर्जुन को आप कहाँ पाते हैं? देखिए, दोनों की वीरता में जहां तक प्रश्न है तो सबसे बड़ी चीज होती है कि आप वीर कितने हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी तरबियत कैसी हुई है, यानी आपकी ट्रेनिंग कैसी हुई है। तो आप देख लें कि कर्ण के जो गुरु थे वो थे महर्षि परशुराम, जो अपने समय के सबसे बड़े योद्धा भी थे और सबसे बड़े ऋषि भी थे, और उन्होंने उस दौर के बड़े बड़े धनुर्धरों को पैदा किया था, चाहे वो भारद्वाज पुत्र द्रोणाचार्य रहे हों या फिर आपको भीष्म पितामह रहे हों, ये सब के सब महर्षि परशुराम के ही शिष्य थे। लेकिन कर्ण भी उनसे आगे नहीं जा पाया, कर्ण ने इसके अलावा कोई और प्रयास नहीं किया कि वो उसके अलावा कोई और दिव्य शक्तियां प्राप्त करे। तो इस संदर्भ में हम देखते हैं कि अर्जुन की ट्रेनिंग तो उससे भी ज्यादा ऊपर हुई है। इसके अलावा जहां तक एक योद्धा के लिए जरूरी है कि वह न्याय और नैतिकता, इसका सबक भी सीखे, और अर्जुन ने न्याय और नैतिकता की का सबक सीखा था भगवान श्री कृष्ण से, जो अपने क्षेत्र के उस दौर के उस युग के सबसे बड़े नीतिवान व्यक्ति थे, वो माने महागुरु थे अपने आप में। जी जी, भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने की गीता का पूरा उपदेश ही दिया
जो आज भी भारतीय समाज को गाइड करता है। और विश्व समाज ही जब कभी भी अपने आप को अंधकार कर पाता है मौलिक तौर पे, तो वह भी गीता की ओर लौटने का प्रयास करता है और वह आज भी प्रासंगिक है इस स्तर पे। और उस गीता की शिक्षा देने वाले, और वो भी किसके लिए, वह गीता की पूरी शिक्षा ही अर्जुन के लिए दी गई थी। तो अर्जुन एक ऐसा योद्धा था जिसने की शिक्षा भी, अगर धनुष की बात, धनुर्धर होने की बात करें, तो धनुष बाण की भी शिक्षा काफी ऊंचे स्तर से प्राप्त की थी। अगर आपसे मैं पूछ दूं कि अर्जुन के धनुष का नाम क्या था, तो आप फटाक से बता देंगे कर्ण के धनुष का नाम क्या था। जी जी, आप नहीं बता पाएंगे। जी जी, कर्ण के रथ का नाम क्या था, उसका कोई पर्टिकुलर रथ नहीं था। जी, जबकि आपको मैं बता दूं कि अर्जुन का जो रथ था वह रथ था नंदी घोष रथ, और गांडीव इनका, अर्जुन का वो धनुष था। जी, तो अर्जुन जो थे अपने आप में सच में एक महान योद्धा थे, और उनके चरित्र के आगे कर्ण कहीं नहीं टिकते। अच्छा, एक चीज और है कि अवसर मिला तो कर्ण ने छल से अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के ऊपर प्रहार करने से अपने आप को नहीं रोका। जी जी, उसने जबकि अर्जुन के पूरे कैरेक्टर को देख लें, पूरे युद्ध के दौरान आप देख लें, तो अर्जुन अगर भीष्म पितामह से अस्त्र चलाता भी है तो उसके आंसू बह रहे हैं, वह पश्चाताप उसे हो रहा है। लेकिन चूंकि वो खुद भीष्म पितामह का ही आदेश था कि उसके ऊपर बाण अर्जुन ही चलाएंगे, तो इस वजह से अर्जुन ने अपना दायित्व जरूर पूरा किया, लेकिन अर्जुन ने कहीं पर भी अपनी इच्छा से या अपनी रणनीति के तहत अपनी सफलता के लिए कोई अमानवीय कार्य को अंजाम नहीं दिया। और जबकि कर्ण को हम देखते हैं कि अगर प्रहार करने का अवसर आया तो उसने अभिमन्यु को भी मारने में बहुत ही छल से निहत्थे अभिमन्यु के ऊपर शस्त्र का प्रहार करने से बिल्कुल भी उसने अपने आप को नहीं रोका। अर्जुन का एक कैरेक्टर कासानोवा वाला भी है, यानी अर्जुन के प्रति, अर्जुन ने कभी किसी स्त्री के प्रति कोई पहल की हो या अनैतिक तरीके से उसने किसी स्त्री को प्राप्त करने की कोशिश या चेष्टा की हो, ऐसा कहीं भी प्रतीत नहीं होता। लेकिन अर्जुन के चरित्र में एक ऐसा सम्मोहन था कि स्त्रियां खुद ही उसकी ओर चली आती थी, हाँ, आकृष्ट होती थी, क्योंकि वो अर्जुन के चरित्र का जो प्रबल प्रताप था वह था ही कुछ इस किस्म का कि वह अर्जुन की ओर वो खींची चली आती थी। और वहां की जो राजकुमारी थी मणिपुर की, उसका नाम था चित्रांगदा, और चित्रांगदा के साथ प्रेम प्रसंग शुरू होता है अर्जुन का, और दोनों के बीच विवाह होता है, लेकिन किन्हीं भ्रांतियों की वजह से फिर से अर्जुन का सेपरेशन हो जाता है और अर्जुन वापस हस्तिनापुर लौट आते हैं, और चित्रांगदा वापस नहीं लौटती और अपने पिता के राज्य को, और वो क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का इलाका है तो उधर की परंपराएं भी अलग होती थी, क्योंकि वहां की लड़कियां ब्याही नहीं, अपने पति के यहाँ नहीं जाती, उनके पति ही आकर के वहां पर रहते हैं जी। तो इस तरह की परंपरा भी रही है। तो जब वो चली आई बहुत वर्षों के बाद, इनका पुत्र जब बड़ा हो गया, अर्जुन और चित्रांगदा का पुत्र, तो अर्जुन ने मणिपुर पर आक्रमण किया अश्वमेध यज्ञ के दौरान जी। और इस युद्ध में हस्तिनापुर की सेना एक तरफ थी और दूसरी तरफ अर्जुन का पुत्र था, जो अर्जुन और चित्रांगदा का पुत्र, तो वो पूरे हस्तिनापुर की सेना को, पूरे फौज को रोके हुए था। और उसी समय अर्जुन के पुत्र में और कर्ण के पुत्र के बीच, जो कि अर्जुन की ओर से लड़ रहा था कर्ण का पुत्र, तो उसमें युद्ध होता है और अर्जुन के का पुत्र उसकी हत्या कर देता है, जिससे क्रोधित होकर के, और अर्जुन संकल्प लेते हैं कि वो चित्रांगदा के उस पुत्र की हत्या कर देंगे जी। और जैसे ही उससे युद्ध करने जाते हैं, बहुत ही घनघोर युद्ध होता है, हालांकि उस युद्ध में अर्जुन का एक बार तो ऐसा प्रसंग भी है कि वो सिर काट देता है, लेकिन फिर किसी तरह से भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से वो जीवित होते हैं और फिर वो राज खुलता है। लेकिन अर्जुन ने जब वो संकल्प ले लिया था कि वो कर्ण के पुत्र के लिए अपना वो चित्रांगदा के पुत्र की ही हत्या कर देंगे जी। तो ये अर्जुन के चरित्र के ये कुछ ऐसे बहुत ही अद्भुत पक्ष हैं, पहलू हैं, जिनका मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया जी। तो इस चर्चा को अभी फिलहाल यहीं विराम देते हैं। इस चर्चा से मुझे लगता है कि हमारे दर्शक बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि आपने जो पहलू बताए हैं उनके विषय में बहुत चर्चा होती नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय जी,
उम्मीद करता हूँ आपका आपको अच्छा लगा होगा हमारे साथ जुड़कर। बिल्कुल, बहुत ही मुझे भी आनंद आया। हम ऐसी चर्चाओं को लगातार अब जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।